चेन्नई सुपर किंग और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच चल रहे मैच में एक बड़ा हादसा होने से बच गया। जी हां, आपको बता दें कि दीपक चहर गेंदबाजी कर रहे थे मनीष पांडे को, और ऐसे में मनीष पांडे ने जो स्ट्रेट शॉट खेला वो शॉट दीपक चहर के सिर के ऊपर से गेंद निकल गई, बाल बाल बच गए दीपक चहर। जी हां, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि अगर स्पीड से बॉल आ रही थी करीबन 150 की तेज गति, क्योंकि आपको बता दें कि दीपक चहर औसतन 130 से 140 के बीच में गेंदबाजी करते हैं, और ऐसे में जब उनकी गेंद पड़ी और स्ट्रेट शॉट खेला मनीष पांडे, तो गेंद साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दीपक चहर के सिर के ऊपर से चली गई और सही समय पर सिर को नीचे रख लिया दीपक चहर ने, वरना डेविड वार्नर और अंपायर के मुंह से भी आह निकल चुकी थी। तो वहीं धोनी भी देख के घबरा गए, क्योंकि आपको बता दें अगर ये गेंद आज लग जाती सीधे सर पे तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि गेंदबाज के पास कोई कवच नहीं होता बचने का, और ये गेंद सीधे सिर पे लग सकती थी दीपक चहर के। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि दीपक चहर और इस मैच की सबसे अच्छी खुशकिस्मती ये थी कि गेंद बिना कुछ टच हुए सीधे बाउंड्री लाइन पहुंच गई और दीपक चहर ने भी राहत की सांस ली।